चंदौली में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। विवाद में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। युवक की हालत गंभीर होता देख चिकित्सकों ने युवक को ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। दरअसल पूरा मामला चकिया कोतवाली इलाके के अंतर्गत पचपेड़िया गांव का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मामूली कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में लाठी डंडे चल पड़े। इस दौरान एक युवक पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में परिजनों ने घायल को चकिया जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुँचाया, जहाँ चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया। हमारी खतौनी है, जगह जमीन है, और ये लोग दबंग गोलबंद हैं, ये विपक्षी पार्टी। वो लोग हमारे भाई को पहले भी हाथ काट दिए, 308 में हुआ, और कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी फिर हमारे भाई को हाथ पैर तोड़ करके मतलब जान मारने के फिराक में थे। अभी ट्रामा सेंटर में यहाँ से भर्ती जा रहे हैं। अभी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जो कि सुनवाई होनी चाहिए। न SDM महोदय द्वारा, न जिलाधिकारी से कोई, हर जगह से हमारी खतौनी है, हमारे बाप दादा की जमीन है, फिर भी वो लोग जबरिया कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ, अभी आया था आधे घंटे पहले, एक पुलिस द्वारा लाया गया था, पचपेड़िया का है रहने वाला, और इसका नाम कवींद्र यादव है, 42 साल उम्र है। तो बताया जा रहा है पुलिस के द्वारा भेजा गया था कि इसको दो तीन लोग चेक करके गाँव के पास में ही आपसी रंजिश में मारपीट किए हैं लाठी डंडे से, काफ़ी उसकी हालत गंभीर कर दिए थे, सर में और पैर में भी फ्रैक्चर था। तो उसका मुआयना वगैरह करके और प्राथमिक उपचार कर दिया गया है, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी, पैर में भी सर में भी चोट थी, तो उसको देखते हुए ट्रामा सेंटर के लिए रेफर किया गया है।